तो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एकलव्य बैच टू पॉइंट ओ में एम एस टी सी टी लेक्चर की सीरीज हमारी चालू है हमारे प्यारे बच्चों के लिए जो इस साल मार्च 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं लेकिन जो होने वाली मई या जून में सी टी .E एग्जाम होगी उसके अंदर अच्छे मार्क्स ला के एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में जाना चाहते उन सभी के लिए तैयारी करवाने के लिए मैं हाजिर हूँ मैं हूँ दिनेश सर आपको बढ़ाता हूँ मैथ हमारी टीम में और भी लोग हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको दे रहे हैं करवा रहे हैं ओके okay, तो क्या आप सभी तैयार है आ गए हैं सॉरी yes, कहना चाहूंगा कि मंडे को आपका लेक्चर नहीं ले पाया था मुंबई और महाराष्ट्र के होने वाले आंदोलन की वजह से थोड़ा सा आहत पहुंची थी और बच्चों को समझाना था उस वजह से मैं लाइव चला गया था दिनेश सर चैनल पर और इस चैनल पर मैं नहीं आ पाया था कोई बात नहीं जो होना होगा मैं आपके साथ हूं आप लोगों का सब अच्छा होना चाहिए और सब अच्छा ही होगा आप लोग जरा भी टेंशन ना ले। ओके मैं और मेरी टीम पूरे महाराष्ट्र के टीचर्स हम अपने में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा आपके लिए सहूलियत दी जाएगी कुछ ना कुछ हम करेंगे ओके सो आप वो सब चिंता ना करके पूरा का पूरा फोकस अपने पढ़ाई में लगाए देखो कुछ भी हो जाए बोर्ड एग्जाम का एम एच टी सी टी ये जो हमारी एग्जाम है ये तो होने वाली ही है ठीक है एम एस टी सी टी एग्जाम तो होने वाली है जून महीना पकड़ के चलो समझ में आ रहा है अगर बोर्ड एग्जाम पोस्ट होती है अगर होती है तो अप्रैल में जा सकती है मार्च इंडिया अप्रैल में जा सकती है जून में ये एम एस टी सी टी होगी अब ये पोस्टपोन्ड होती है कि नहीं होती है डोंट वरी ओके हम करेंगे कुछ आगे चलो चलो शुरू करते हैं यस yes, शुरू किया जाए ओम माई गॉड क्या दिखा रहे हो सर अरे वेक्टर 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 चैप्टर सर थप्पड़ से डर नहीं लगता सर वेक्टर से डर लगता है आज जो भी बच्चे ये लेक्चर में आए हैं उनके लिए वेक्टर हो जाएगा बहुत आसान पिछले लेक्चर में वेक्टर का पूरा कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की थी मैंने जो भी बच्चे पिछले लेक्चर में थे उन्होंने वेक्टर का कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या क्या चीजें होती है पैरेलल वेक्टर्स परपेंडिकुलर वैक्टर यूनिट वेक्टर्स थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अल्फा बीटा गामा सब कुछ आपको पता ही होगा और अगर आपने बारहवीं की तैयारी की है या बारहवीं में चैप्टर पढ़ा है तो भी आपको आता ही होगा रिवाइज मैंने करवाई था चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो पिछले बार तो हम क्वेश्चन लिए ही नहीं थे बट इस बार अभी जो है एमसीक्यू लेंगे ओके और कौन से क्वेश्चन लोगे सर अरे वही लेंगे वही क्वेश्चन लेंगे जो एमएसटीसी डे में पूछे गए हैं कब से 2004 से पिछले 18 सालों से जो एमएसटीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं वही पूछेंगे हम 2004 के क्वेश्चन उठाते हैं शुरू से शुरू करेंगे 2004 से शुरू करेंगे अरे कहा रह गए वो साथियों तुम्हारे दोस्त किधर गए कुटे गए तुझे तुमचे भावंडे भाऊ बहन मित्र मैत्रीन कुटे बोलवा ग्रुप मध्य टाका आले आले दिनेश सर आले चला पहला प्रश्न तुम्हारा काय आहे, आहे ते एम एस टी टी दोन हजार चार मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे की जर तुमच्याकडे अल्फा बीटा गामा हे तिघे आहेत अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आहेत ऑफ द व्हॅक्टर विथ साइन स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन स्क्वेअर बीटा प्लस सायन्स स्क्वेअर गामा तुम्हाला माहितच आहे आपल्याकडे एक फॉर्म्युला असतो स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गामा जर हे असेल तर ह्याची किंमत एक असते अपने को पता है कि कॉ स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस्टर बीटा प्लस थ्री डी थ्री डायमेंशन जो काल्फा प्लस साइंस स्क्वायर बीटा प्लस साइंस स्क्वायर का तो क्या इसका आंसर वन आएगा बच्चे यहां पर वन बोल रहे ना ही वन नहीं है भाई हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है यहां पर कॉस स्क्वायर होता तो वन होता समझने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो तो so, ये स्क्वायर को मैं वन माइनस लिख सकता हूं बीटा को बीटा लिख सकता हूं टू स्क्वायर अब पता नहीं ना इक्वल टू क्या है ठीक है ये लिख सकते हम लोग ठीक है इस तरह से इक्वल इक्वल वन 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 तीनों मिलके थ्री हो गए समझने की कोशिश करो तीनों मिलके थ्री हो गए one eight eight eight. तीन हो गए माइनस ये स्क्वायर कॉस्क तीनों का माइनस कॉमन लिया प्लस, प्लस, हो गया अब इन तीनों को प्लस करते कितना आता हमारे पास क्या वन है क्या है वन तो ये हो गया थ्री माइनस इन तीनों को प्लस किया तो वन आता थ्री माइनस वन टू सो योर राइट आंसर इज टू विच इज ए सो कौन है वो जो ए बोल रहा था ये शिवम है शिवम श्रेया वर्मा विनीत यस यस आंसर इज़ राइट प्रेसिडेंट ऑफ सृष्टि सोहेल मोहित अश्विनी रोशन आलोक कल्याणी अली अली कल्याणी क्या बात क्या बात क्या बात यस चलो बहुत सही बहुत सही तो इस तरह का ये थ्री डी से रिलेटेड है सर थ्री डी चैप्टर आप तो वेक्टर करा रहे हैं तो भाई थ्री डी वैक्टर के अंदर मिक्स हो चुका है सो so, थ्री डी वैक्टर के अंदर मिक्स हो चुका है बच्चों थ्री so, डी के भी क्वेश्चन आते हैं तो ये फैक्टर ये समझो अभी समझ में आ रहा है बच्चों भाई ऐसी तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी एक से एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा हर हर एक टाइप के प्रश्न होंगे यही इसी सीरीज में एक लगे सीरीज में या आपको पता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मैं मैथ सिखाता हूं आठ बजे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे केमिस्ट्री होता है एक दिन मैथ एक दिन केमिस्ट्री टाइम फिक्स है आठ से नौ शाम के छह से सात में फिजिक्स और बायोलॉजी होते हैं एक एक दिन में चलो अगला प्रश्न लेते हैं बहुत अच्छा जिसने किया वो जितने किया वो यस वो हीरो है हीरो जितने नहीं किया वो हीरो अभी बनेगा जितने नहीं किया वो हीरो अभी बनेगा ठीक है दुसरा प्रश्न का यस संगा तो इकड़े बा इफ आई 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 इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी पोजिशन वेक्टर ऑफ आई इज वॉट दोन हजार चार मध्य आज एक प्रश्न अपन इकड़े काय बघा इनसेंटर आहे कुठला एक ट्रायंगल असेल यामध्ये एक इनसेंटर दिलेला आहे तर काय असतं ह्यासाठी आपल्याला फाइंड करण्याची गरज नाही आहे काही असे असतात त्यांची फॉर्म्युले लक्षात ठेवा इनसेंटर जो असतो आई त्याचं पोजिशन वेक्टर इनसेंटरचा पोजिशन वेक्टर हे असतो ए इंटू ए बार बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू सी बार लाईक दिस ए प्लस बी प्लस सी दिस इज वॉट पोजिशन फैक्टर ऑफ आई इज दिस ये फॉर्मूला होता है तो कुछ थियोरिटिकल चीजें होती है जिसको याद रखना चाहिए अब बोलोगे जब प्रूफ करके बताओ तो ये सी एग्जाम है ये बोर्ड नहीं है यहां पर प्रूफ करके दिखाना वगैरह कुछ नहीं हमको राइट right आंसर चाहिए तो कुछ जो थियोरिटिकल फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए सो दिस इज द राइट आंसर ए याद रखना है फॉर्मूला है ऐसी चीजों को याद करके रखो प्रूफ करने मत जाओ आपके बुक में इसका प्रूफ दिया हुआ है लेकिन ठीक है चलो आगे जाते हैं 2004 में यार देखो इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई पिछले साल सीटी में क्या हुआ कुछ बच्चे लोग ने ना सीटी में लाइन प्लेन वेक्टर ये छोड़ दिया था और बाद में क्या हो गया मालूम है सीटी एग्जाम हुई तो बाद में मैं फीडबैक लेता था सर वेक्टर से ही सब क्वेश्चन आता लाइन प्लेन वैक्टर से ज्यादा आ रहा है क्या करें इधर तो कोई ऑप्शन ऑप्शन का सवाल नहीं है तुमको आया तो आया नहीं आया तो गया समझ रहे कि नहीं इसलिए एम एस सी के लिए ऑप्शन मत छोड़ो आप बोर्ड्स के लिए छोड़ सकते हो बट डोंट डू इट फॉर एमएचटी सीटी ओके यस सनी आ गया हमारा 11th स्टूडेंट बेटा सीटी की तैयारी कर जो भी चैप्टर तुझे 11th के सीखने, चैप्टर सब अवेलेबल है हमारे चैनल पर v1 बार एंड v2 बार भाई v1 बार देखो बार सुनते सुनते तुमको लगता होगा कि कितनी बार सर बार-बार कर रहे हैं तो बार इस चैप्टर वेक्टर के अंदर बार-बार हम बार-बार बोलते हैं ठीक है तो भाई नियत नहीं बदलना है बार सुन के कहीं चले मत जाना यहीं पड़े रहो सीखना है बार मतलब वेक्टर का है तो वी वन और V2 दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है समझ रहे हो समझ रहे हो ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब यहां पर ये कहना ये चाहता है बेटा कि वी वन बार और वी टू बार ये परपेंडिकुलर है किधर बोला है सर अरे ये बोला है ना ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर तो ये परपेन्डिकुलर दिया है orthogonal, and जो v3 है, वो V1 वन क्रॉस अगर कोई दो वेक्टर है बच्चों v1 और v2. इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ध्यान से सुनना तो एक थर्ड वेक्टर आता है v1 क्रॉस V2 टू जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स मतलब समझे यानी कि ये जो v1 क्रॉस v2 है बट ये तो v3 दिया है यानी कि जो, जो v3 है ये जो v3 है ये v3 v1 को भी परपेंडिकुलर है v2 को भी परपेंडिकुलर है कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का यानी कि यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो v1 v2 को परपेंडिकुलर है और जो v3 है वो परपेंडिकुलर टू v1 है और जो v3 है परपेंडिकुलर टू v2 भी है मतलब समझे कि पर... और कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है a बार परपेंडिकुलर b बार तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है बच्चों जीरो एनी टू आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो कंसेप्ट है आपको अच्छे से आना चाहिए भूलने का नहीं देखो जो भूलेगा वो झूलेगा नहीं कर पाएगा बाद में रोएगा बोलेगा यार मुझे नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है तू ध्यान तो दे बेटा कैसे नहीं आएगा आएगा यस तो यहां पर आप देखोगे कि अगर ऐसा है तो हाँ और ये यूनिट वेक्टर है यानी इनका मैग्निट्यूड वन है तो क्या राइट है तो यहां पर देखो वी वन डॉट वी वन वी वन डॉट वी वन अच्छा एक्चुअल में वी वन वी टू परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये देखो ऐसे v1 वन डॉट वी टू ये जीरो होगा वी थ्री v3 v2 परपेंडिकुलर है तो वी टू डॉट वी थ्री जीरो तीनों 0 है. और अगर ये यहां पर वन v1. V1 v1. V1, दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये वन होता है सेम सेम याद आ रहा है i डॉट आई वन होता है याद आ रहा है तो अब यहां पर देखो v1 वन डॉट वी वन वन हो गया ये भी वन 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 थ्री आना चाहिए जीरो दिया कट चल निकल ए ऑप्शन इज रॉन्ग जो बच्चे इधर ए ऑप्शन बोल रहे बटा ए फॉर एप्पल नहीं होगा इधर तो क्या होगा हो क्या रुको देखते वन डॉट वी टू दोनों अलग है तो जीरो आएगा वी टू वी थ्री जीरो वी थ्री वन जीरो 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 निकल तू भी गलत वी वन डॉट वी टू जीरो वी टू डॉट वी थ्री जीरो v2, v3, v1 ये यहां पे v3 v2 और v3, v1 भी जीरो ओ -ओ, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो आ रहा है यही तो सही है C4 छोटा एप्पल इज द राइट आंसर बोल रहा था ये पर है एप्पल ये पर एप्पल बोल रहा है समझा क्या ये कंडीशन राइट right है कैसे पता चला क्योंकि v1, v2, v3 तीनों अपने आप के ऊपर परपेंडिकुलर है और कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो उनका तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये लोग जितने भी परपेंडिकुलर सबका डॉट प्रोडक्ट जीरो है ये सब अलग अलग है जीरो होगा सेम सेम होगा तो वन होगा ये वन होगा होना चाहिए जीरो दिया। चल निकल। जीरो जीरो रहेंगे दो थ्री दिया चल निकल समझ रहा है कि नहीं हो गया यस इलेवेंथ के बच्चों रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं अपने चैनल पर लाइव नहीं ले पा रहे बच्चों के कॉलेज खुल गए सुबह लेने की कोशिश कर रहा था चला पूछता प्रश्न घे कुठे राहिले या इकडे दोन हजार चार मध्ये बघा किती प्रश्न आले होते किती प्रश्न आले होते हे एवढे प्रश्न मी सांगतोय तुम्हाला ते पूर्ण प्रश्न दोन हजार चार मधलेच आहे टोटल सहा प्रश्न आहेत एका 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 पेपर मध्ये सहा प्रश्न ह्या चॅप्टर मधून आले होते कारण आधी काय व्हायचं एक एम एस टी सी टीचा पेपर पूर्ण महाराष्ट्रात फक्त एक दिवस व्हायचं एकच दिवस ऑफलाइन एक्झाम असायची आणि या चैप्टर मधुन दोन हजार चार मधे चार चार मध्य सहा प्रश्न आले होते आता अपन करते बढ़ूया सद्या ऑनलाइन एक्जाम्स है ओके वॉट इज द क्वेश्चन हियर गाइस ए बार एंड बी बार टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अच्छा नॉन जीरो वेक्टर्स है अच्छा इफ दे आर एग्जिस्ट कैलर अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा ए बार प्लस बीटा बी बार Is equal to zero bar. कितने बार जीरो बार बोला है कि कौन सा रिलेशन सही होगा तो बेटा अगर कोई वैक्टर जीरो बार को इक्वल है सो आई कैन राइट दिस जीरो अल्फा प्लस जीरो बीटा लाइक दिस <laughs> या, एक मिनट जीरो अल्फा नहीं एक मिनट गलत लिख दिया यहां पर हम लोग को क्या दिया हुआ देखो एक मिनट एक मिनट यहां पर हम लोगों को क्या दिया a बार b बार दिया है तो आई कैन राइट 0 a बार प्लस 0 b बार 0 a बार प्लस 0 b बार एंड यू कैन यू कैन कंपेयर बोथ द साइड्स कंपेयर करो क्या हो जाएगा अल्फा की जगह पे क्या है 0 बीटा की जगह पे क्या है 0 अल्फा बीटा दोनों भी 0 चलो बताओ क्या तुमने पहले से निकाल लिया आंसर देखो क्वेश्चन दैट देख के डरने का नहीं महाराष्ट्र में बच्चे ने तोड़फोड़ कर दिया अमित ठाकुर तुम अभी जगे परसों हो गया था उसके लिए हमारा सीटी लेक्चर नहीं हुआ था तोड़फोड़ के वजह से हम डिस्टर्ब हो गए थे सभी कि ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है सो अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो चल निकल अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो हाँ भाई तू ही तो राइट आंसर है तू भी निकल तू भी निकल समझ में आप अब तुम बोलोगे सर ये भी तो सही है अल्फा जीरो बीटा जीरो है ना तो जीरो ये भी तो लेकिन मोस्ट परफेक्ट का मोस्ट परफेक्ट आंसर यू हैव फाइंड आउट में आ रहा है कभी कभी दो आंसर एक जैसे होते दो सही होते तो उन दोनों में मोस्ट परफेक्ट आंसर निकालना पोस्ट हो चांसेसर फोकस करूर्ण टीचर्स यूट्यूब वर से टीचर्स प्रयत्न करतोय मीटिंग वगैरह चालू है तुम्हें टेन्शन घे फक्त फो अभ्यास कर चला जाऊया दोन हजार चार मधले एवढे प्रश्न तुम्ही घेतायत सर अरे मी काय करू आलेले प्रश्न आहेत हा डिफरंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स आहेत मग करावं लागणारच करना तो पडेगा ही ना भाई अलग अलग क्वेश्चन आहे मूवमेंट ऑफ फोर्स फाईंड करना आहे अरे मूवमेंट ऑफ फोर्स मूवमेंट सर फिजिक्स शिका रे की मॅथ शिका पहिले पहिला क्लिअर करो ए बाबा फिजिक्स में बी आता ना रे बाबा वेक्टर <coughs> सो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका ये फोर्स है एक्टिंग एट आर अबाउट ए तो ये फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका एक्टिंग एट पॉइंट आर अबाउट ए इस तरह से तो हम क्या करेंगे ये ए आर बार करेंगे ए आर बार मूवमेंट ऑफ फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया फिजिक्स से आया सर मैथ्स में फिजिक्स अरे मैथ्स एंड फिजिक्स आर रिलेटेड दोनों भाई भाई है फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विथ मैथ्स समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं सो ये निकाल मोमेंट ऑफ फोर्स बट सर कैसे ए आर बार अरे मेरे दोस्त ए आर बार इधर से निकाल ए आर बार तो आर में से ए माइनस करना आर माइनस ए जीरो माइनस जीरो जीरो आई कैप वन माइनस वन जीरो जे कैप ओ वन माइनस जीरो वन के कैप यानी एग्जैक्टली वन के कैप आ गया खाली अभी ए आर बार क्रॉस एफ बार कैसे करते हैं ए आर क्रॉस एफ आई जे के याद आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ए आर क्या है देखो जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन और एफ क्या है एफ एफ इज ये थ्री माइनस थ्री और ये जीरो जीरो इसको सॉल्व करो जो आएगा तुम्हारा आंसर है <coughs> कैसे सॉल्व होगा तो कर लेते देख एक कर लेते देख अगर तू आई करता आई कैप आई तो जीरो माइनस माइनस थ्री इंटू वन तो प्लस थ्री यानी थ्री आई कैप आ गया फिर माइनस जे लेते जे कैप डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हैं ये भूल जा जीरो माइनस थ्री तो माइनस थ्री आ गया फिर के कैप ले लो जीरो 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 आ गया तो यह आ गया थ्री आई कैप माइनस माइनस प्लस थ्री जे कैप आ गया इधर है देख बेटा ये देख ये रहा अरे सो रहा रहा है है ओ ओ दादा हो ताई इकड़े या कौन आयुष शेख निखिल ये बोल D कैसे नन ऑफ दीज आंसर नहीं मिल रहा तो नन ऑफ दीज कर दोगे सेशन को लाइक भी नहीं करते रहे तुम लोग 321 लोग देख रहे और दो सो लाइक ये नोई चलबे दिस इज नॉट फेयर, लाइक करने का सेशन को चल हो गया सो बी आंसर ये सब रफ में जितना होता उतना लिखने का पूरा सिस्टमैटिक लिखने का नहीं बोर्ड जैसा चला <coughs> दो जन ने लाइक किया इतना बोलने पे 268 हो गया दादा आय सांगा वो, बगा अरे सर अभी कितना क्वेश्चन है बोला ना तुमको छह क्वेश्चन आए थे 2004 का क्वेश्चन जी इज द सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल ए बी सी अरे वाह देखा अभी लाइक 322 हो गया क्या बात तुम लोगों को बोलना पड़ता है मैं बोलता नहीं हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में शेयर करो तुम लोग करते भी नहीं है हमको किसने नहीं बोला अरे कोई कोई चीजें नहीं बोलनी पड़ती है यार बिना सुने बोले समझ जाए करो ना यार अब मैं नहीं बोलता तुम करते भी नहीं है हां तुम अगर करते तो आज हमारा दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे पांच लाख सब्सक्राइबर हो जाते थे ना इतना मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ सबको पढ़ाता हूँ नहीं हुआ अभी तक क्यों नहीं तुम लोग को बोला नहीं तुम शेयर नहीं करे दिस इज नॉट फेयर यार ऐसा मत करो यार हाँ दोस्तों की फीलिंग समझने का दोस्त को क्या चाहिए तुम्हारे जी इज देंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ई बी सी सो जी एक सेंट्रॉयड्रॉइड क्या होता है जितने भी मीडियम से उसको ज्वाइन किया तो जहां पे कट करते वो सेंट्रॉइड होता है

ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे सोविन सर का चैनल है उस केमिस्ट्री होता है ऑल अबाउट केमिस्ट्री हम सब मिलके काम कर रहे बजे देवयानी बोलती है यू आर फ्रेंड फ्रेंड ना friend की भावनाओं को समझो तुम लोग ये सब कला कब सीखोगे यस yes. <coughs> तो ये थ्री इधर आ गया तो थ्री टाइम्स जी बार ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अब मैच कर लो जी बार निकल ले जी बार इंटू थ्री निकल ले तीजी बार तू ही तो है तू ही तो है बाहुबली बाकी के सल चल निकल अपनी गली ओके सो so, ये सी 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 आंसर आंसर राइट राइट है right है ओके लग रहा है आपको देखो कोई डी बोल रहा है कोई एच बोल रहा है इतना इजी है फिर भी फिजिक्स और बायो रुचि के छह बजे होता है तुम अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो वहां पे सारे लेक्चर की लिंक आती है देखो चैट में एक टेलीग्राम ग्रुप चल भी रहा अभी आएगा अभी और ऊपर एक पिन किया हुआ लिंक है ओके okay? वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आ, यो बोलता इतने आसान क्वेश्चन क्यों ले रहे हो बेटा लाइन से सब ले रहा हूं उसमें इजी हार्ड सब आएगा तेरे को 2004 का क्वेश्चन है ना अब देख अब क्वेश्चन आएंगे 2005 की तेरे को मैं 2021 तक सब क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है <laughs> ठीक है सब क्वेश्चन आएगा रे कुछ इजी आएंगे कुछ हार्ड आएंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी देख बेटा यहां पर ये कह, दिस दिस इज इक्वल टू ए बार इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी बार बार देन बी मैग्नीट्यूड फाइंड करो अभी कुछ लोग को लग रहा है क्या सर इतना नल्ला क्वेश्चन लेते अरे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन ले लो ना आई आई टी वाला तो भाई ले लेंगे ये ही करो उसके लिए टेंशन मत लो ये नल्ला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होगा कुछ बच्चों के लिए तो ये पहाड़ होगा कुछ बच्चों के लिए एकदम ऐसा चुटकी बजा के होगा तो सभी के लिए सभी क्वेश्चन क्वेश्चन आसान लगने चाहिए ऐसा पढ़ाई करो नहीं आंसर आ जाना चाहिए समझ में में आ रहा है में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आए हैं वो करा रहा हूं सीख लो ये सब आ रहा है तो खुश हो जाओ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ यस yes, अपने घर से क्वेश्चन नहीं लाया हूं मैं यहां पर देखो क्या दिया है ए बार इज यूनिट वैक्टर ए बार यूनिट वैक्टर है मतलब ए बार का वैल्यू वन मैग्निट्यूड परपेंडिकुलर टू बी बार यानी ए बार परपेंडिकुलर बी बार है तो कुछ समझे अब भी बताया था अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है समझो ठीक है मधे मधे का ही मुन्ना है लैब बोर्ड का क्या होने वाला है टोटल केमी बोलता आई लव यू आई ऑल्सो लव यू ठीक है बेटा ठीक है बेटा <coughs> तो अभी यहां पर देखो ये चीजें थी अभी इसको सॉल्व करते बी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए ए बार का मैग्नीट्यूड तो वन है तो सर बी बार का भी करो ऐसे कैसे सर ए का वन है तो बी का भी वन करो ऐसा नहीं होता है इधर A का बोला ना इसलिए बट सर यहां पर एक रिलेशन दिया यूज करो इन दोनों का डॉट करो ए डॉट टू ए तो टू तो आगे लो ए डॉट ए फिर ए का बी में करो ए डॉट बी फिर थ्री बी का टू ए में करो थ्री टू तो तो मैंने क्या किया लगा कि ये A का दोनों में किया, फिर थ्री बी का किया नंबर को आगे लिया अभी तुमको बतायापेडिकुलर बार, बार है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो कौन जीरो होगा ये देख बेटा ये देख ए बार डॉट बी बार ये जीरो हो गया और ये बी बार डॉट ए बार ये भी जीरो हो गया दोनों को हटा दे इधर लिख के अच्छे से कर सकते हैं बट लिखना बिखना नहीं दिखाना नहीं अपने को डायरेक्ट आंसर चाहिए रफ में जितना शॉर्ट होता है उतना शॉर्ट करने का ये दोनों जीरो हो गए हट गए अभी तक ए बार क्या है ए बार यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वन है ए बार यूनिट वेक्टर का कैसे करते हैं आई डॉट आई वन होता है तो वैसे ए डॉट ए भी वन हो जाएगा ये वन हो गया वन इंटू टू टू ये क्या है थ्री बी डॉट बी बी का पता नहीं है तो B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया बेटा बराबर टेन है ये टू उधर गया तो टेन माइनस टू हो जाएगा बेटा ये टू उधर गया टेन माइनस टू एट ये 3 8 upon 3, ये B मैग्नीट्यूड है बट ये स्क्वायर उधर गया स्क्वायर रूट खत्म रूट एट बाई थ्री वेर इज द आंसर यस B इज द आंसर B फोर बड़ा एप्पल यस आ गया यस yes? क्या बच्चे पहले से b कर रहे भाई ओके okay, कर रहे हैं ये धनश्री कहती है फिर से बताइए समझा नहीं बेटा देख क्वेश्चन देखने का ये एक रिलेशन दिया है उस रिलेशन में मैंने ए बार का दोनों में मल्टीप्लाई किया और थ्री बी बार का दोनों में मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन में बोला था ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से होता है कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो यहां पर ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार दोनों परपेंडिकुलर ये दोनों जीरो हो जाएगा ये टर्म गायब कर देंगे अभी ए बार है ना वो बोला था यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड यूनिटर होता है और ए बार में ए मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1 2, 2 हो गया ओके यहां पर है 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 ये 10 है, ये 10 है. वो इधर ला दिए माइनस टू यहाँ थ्री बी बार बी बार बी बार का स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड स्क्वायर करते तो वैक्टर हट जाता है वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है थ्री इधर आया टेन माइनस टू एट अपन थ्री ये स्क्वायर इधर आया स्क्वायर रूट वापस बोल रहे है. ओके आप पढ़ाते हो तो ऑफलाइन क्लास चल रही है ऐसा फील आती है शुभम अरे वाह खुशी की बात है मोस्ट रिसेंट पीवाई की नहीं मिल रिस कैसे मिलेंगे वो सब है अपने पास स्वास्थ्य मैंने वीडियो दिया हुआ है आप जाओ हमारे एकलव्य बैच के वीडियो देखो सर्च करोगे तो आएगा मैं सब यहां पर लेने वाला हूँ आपके लिए दो बार बता दिया बच्चे चैट में बोले फिर से बताओ तो फिर से बता दिया सो so, डर किस बात का जब पूछोगे तो बता डालूंगा एमएसटीसी टी तो आजाद पाँच का अगला प्रश्न आधे घंटे हो गए आधे घंटे हो गए एकदम मस्त मजा आने वाला है तुम चीजों को सीखो कंसेप्ट आपको आता होगा बोर्ड के लिए आपने तैयार किया सब कर लोगे यार और जिसको नहीं भी आता इधर तो आ दिनेश सर सिखा रहे हैं ना तुझे एक बार नहीं आता तू बोल तेरे को वापस बताएंगे देख इधर दो वेक्टर है दो वेक्टर है कहा रह गए मेरे साथियों रोमबस रोमबस रामबस रोमबस रोमबस है बेटा ये पैरलोग्राम का एक टाइप होता है जिसमें चारों साइड सेम होती है जो डायगोनल होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं रंबस में पर डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को ये बोलता है था एरिया ऑफ रंबस अब रंबस एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है ध्यान से सुनना कोई भी पैरेललोग्राम रहे उसका एरिया क्या होता है अगर उसके साइड दिए हैं ए बार बी बार तो उसका एरिया होता है a बार क्रॉस b बार मैग्नीट्यूड लेकिन अगर उसका डायगोनल दिया है बोले साइड नहीं दिया है बोले डायगोनल दिया है ये ए बार और ये बी बार तो हम इसको हाफ कर देते हैं हाफ ए बार क्रॉस बी बार अब चेक करो अपने को साइड दिया कि डायगनल रॉमबस उस डायगनल आर ए बार और बी बार है बेटा डायगनल है डायगनल मे विकर्ण विकर्ण समझ में आ रहा है क्या तो ये फॉर्मूला होगा तो कैसे करेंगे यार ए बार और बी बार तो दिया बढ़िया क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप सीधा भी कर सकते हो कैसे कर सकते हैं इसका ऐसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के ऐसे करते हैं ना वो सब करके कर सकते हैं या तो एक दोनों के बीच में ये डायगनल 90 डिग्री है क्योंकि रोमबस है पैरल होता तो पता नहीं कितना होता थीटा बट रोमबस है रोमबस रोम्बस के डायगनल परपेंडिकुलर वैसे कर हैं तो आपको पता है कि ये जो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड हो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है ए बार बी बार साइन है बट ये मैग्नीट्यूड ही नहीं अभी याद करो एरिया इज इक्वल टू हाफ साइन कितना है? एंगल नाइनटी क्योंकि ये है तो समझे बार मैग्नीट्यूड एंड बी बार मैग्नीट्यूड तो ए बार मैग्नीट्यूड कैसे आएगा देखो ये ए बार इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा रूट करते हैं टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री स्क्वायर तो प्लस नाइन फाइव स्क्वायर ट्वेंटी रफ में करने का बेटा फिर बी बार इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऐसे स्क्वायर रूट हमेशा करने का इनका सबका स्क्वायर करके प्लस टू स्क्वायर फोर प्लस टू स्क्वायर फोर प्लस टू गया समझ में आ रहा है तो रूट टूवेल्व आ गया <coughs> अभी रूट टूवेल्व जो होता है इस रूट टूवेल्व को फोर थ्री सा लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री फोर का स्क्वायर रूट टू आ है टू रूट थ्री लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं रूट टूवेल्व को टू रूट थ्री लिख सकते टू रूट थ्री ऐसा करने से टू टू कैंसल एरिया इज इक्वल टू रूट ये वन अट गया वन अट गया थ्री एटी फोर टू आया थ्री नाइन टू वन वन फोर किधर है वो यह बी बीफोर बड़ा क्या बात है राइट आ रहा है समझे क्या तो कभी कभी बिना देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार डिटरमिनेंट से ही सॉल्व करो यहां पर स्पेशल केस था ये एंगल 90 था सर किधर भी नहीं दिया एंगल 90 बट ये रोमबस है इससे हम पहचानेंगे कि रोम्बस में एंगल 90 डिग्री होता ओके समझ में आ रहा है यस क्या बात है क्या बात है मजा आ रहा है मजा आ रहा है यस क्या लग रहा है बच्चों करेंगे और आया ना बी या, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं चीज कंसेप्ट याद रखो यार सब कर लोगे 2005 का अगला क्वेश्चन ओ ओ ओ ओ ओ एबीसी यूनिट वेक्टर है एबीसी देखो कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है चीजों को याद रखो जो बता रहा हूं कंसेप्ट मालूम होना चाहिए नहीं मालूम है मैं बता रहा हूं इधर ओके एकदम ध्यान से देखो ए बार बी बार सी बार ये यूनिट वेक्टर है और हमको बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो इसकी वैल्यू निकालो बाप रे अभी हम लोग क्या करेंगे ए बार और बी बार परपेंडिकुलर होते तो ए डॉट बी जीरो हो जाता और वो भी पता नहीं है तो कैसे करें? वैल्यू भी कुछ खतरनाक है एक यहां पर एक तरीका है कि ए प्लस बी प्लस सी दिया है ना सो हम लोग क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी है ना इसका स्क्वायर करते दोनों साइड का स्क्वायरिंग बोथ साइड ये जो दिया था ना इसको स्क्वेयरिंग कर दिया अरब में करने का दिखाने का नहीं कुछ भी तो अब ये जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा इसका स्क्वायर क्या होता है तुम लोगों को ये तो पता है ना कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चो ए स्क्वायर प्लस बी है क्या याद आ रहा है ये बेसिक तुम बोलेगे सर बी स्क्वायर बाद में होता है अबे प्लस में आगे पीछे चलता है रे तो वैसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर स्क्वायर करते तो वो वैक्टर मैग्निट्यूडोज में बदल जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों का फिर टू टाइम्स प्लस है ना टू टाइम्स ए बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसा टू जीरो स्क्वायर जीरो आ गया मैंने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी था होल स्क्वायर का फॉर्मुलाइन किया तुम बोलो सर हमको तो आठवीं में नौवीं में ऐसा सिखाया था अरे तो तेरी गलती है तू सिखा क्यों नहीं ऐसा भी होता है ये था ध्यान देने का याद आ रहा है क्या तुझे यस ए बी सी तीघान कीमत का मैग्निट्यूड वन मंजे वन वन साक्वायर वन वन स्क्वायर वन वन स्क्वायर वन प्लस टू एंड दिस ब्रैकेट और हमको यही ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस इज इक्वल टू जीरो वन 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 थ्री थ्री प्लस टू करने का नहीं प्लस देखाने का चालू हो गया अभी रुक वन 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 थ्री हो गया और ये टू का इधर मल्टीप्लाई है वो प्लस मत करना समझा गया ये हमारा अंदर कौन है रिक्वायर्ड जो ए बी सी सी है ये उतना लिखने का नहीं रहे हम लोग सीटी कर रहे हैं हमको आंसर से मतलब है अभी ये थ्री उधर गया देख 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 देख, देख किधर ये थ्री उधर गया तो माइनस थ्री फिर ये टू इंटू है फिर ये ब्रैकेट ये टू इंटू इधर गया तो अप वन टू ये ब्रैकेट में हमने क्या लिया ए बी बी सी सी ए वही तो निकालना है ए तो क्या आ गया थ्री उधर गया माइनस थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू किधर है चेक कर। आई क्या तो दादा। ए, right. कौन कहता है मेरे बच्चे कर नहीं पाएंगे एक बार इधर आप तो सही अपने लेक्चर में तू ही तो करेगा भाई ओके चला समझ में आया समझ में आया टारगेट ले ले बेटा अनिकेत सही है बहुत सारे क्वेश्चन है कर लेगा यस चलो बहुत अच्छे जून का फर्स्ट वीक पकड़ के चलो 2005 हजार पांच में टू थाउजेंड फाइव अभी यहां पर बोला है ओ देखो एक बॉक्स प्रोडक्ट है बच्चा और ये भी बॉक्स प्रोडक्ट है तो बोला बताओ क्या एबीसी कोप लेनर है कोप लेनर मतलब क्या होता है कि जो भी बॉक्स प्रोडक्ट है ना अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो हम लोग बोलते हैं ये तीनों वेक्टर कोप लेनर है अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो तो अभी अपने को तो पता ही नहीं है ए की वैल्यू जीरो है कि नहीं जीरो होता तो कोप लेनर होता यहां पर ए और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसका मतलब ए बार डॉट सी बार अगर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहां पर बोला है क्या बॉक्स प्रोडक्ट वन है या तो क्या उनका तीनों का मल्टीप्लाई करके ये क्या दिया है एबीसी का मैग्नीट्यूड वन क्या आ रहा है देखते चलो <laughs> तो अभी इसको थोड़ा सा लेंथी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ए प्लस बी इसका मतलब क्या होता है पहला डॉट इन दोनों का क्रॉस करते बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार ध्यान से देख थोड़ा सा मस्त तो मैं समझाता हूं और यहां पर ये है बॉक्स प्रोडक्ट समझने की कोशिश कर इसको सॉल्व करके देखते कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू वन आ रही है या इसकी वैल्यू जीरो आ रही है या क्या आ रहा है चेक करते तो अभी इसको सॉल्व करना जरूरी सोल्व करोगे तो पता चलेगा सॉल्व करने के लिए बाहर वाले को पहले बाहर ही रखो पहले घर के मैटर सॉल्व करो अभी देखिए बी बी अंदर गया बी अंदर गया दोनों के साथ क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए फिर सी अंदर गया सी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस ए ये हो गया समझने की कोशिश कर अभी देख ये सी क्रॉस सी कोई भी दो सेम सेम वेक्टर है उनका कॉस क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये जीरो हो गया कैब कर उसको अच्छा इक्वल के वो बाजू ये है वो बाद में देखते हैं इसको सॉल्व करते पहले क्या है अब ये ए अंदर जाएगा तीनों के पास देखिए ये ए अंदर गया अभी एक और होता है बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी ए कोई भी बॉक्स के अंदर अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उसका वैल्यू जीरो होता है इसका मतलब क्या समझो ऐसा ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार ए और सेम A है जीरो हो गया। अभी चेक करो ये ए जाएगा अंदर ए इनके पास गया तो ए बी सी हा हा ये सही है ए बी सी ये बॉक्स बन जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा हो जाएगा ये क्या हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा हो गया देखो ए डॉट बी क्रॉस सी तो ये क्या हो गया इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं वेक्टर आपको मालूम है शॉर्टकट में करने का ज्यादा मत फिर ए ए गया गया इसके इसके पास देखो ये इसके पास गया। तो इधर इधर एक ए ए ए है 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 दो दो बार है, दो बार ये ये जीरो हो गया। ये जीरो हो हो गया गया ये भी गया चल जीरो तू अब ये ए इसके जीरो क्योंकि कोई भी बॉक्स के अंदर दो सेम आए तो जीरो ए का गेम ओवर हो गया अभी प्लस अभी बी को अंदर लेके जाओ ये बी देखो अभी इसको रेड कलर से दिखा दो ये बी है बी पहले वाले के पास गया तो बी क्रॉस बी दो सेम हो गए तो ये जीरो हो गया रेड से अभी ये बी इधर गया तो इधर भी देखो बी है तो बी इसके पास गया तो ये भी जीरो हो गया चल निकल फिर बी इसके, तो इसके, तो इसके पास गया तो इसके पास गया तो बी सी गया ये प्लस हो गया और यहां पे देखो यहां पे क्या दिया था एक मिनट हा ये ए बी यहां पे ए बी एबीसी था अभी देखते क्या है यस अभी देखो यहां पर ये आ चुका अभी सोल्व करते इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो ये एबीसी दोनों साइड में है ये एबीसी उस तरफ गया ये एबीसी उस तरफ गया तो ये सेम सेम है दोनों ये वाला उस तरफ गया तो उसमें से माइनस हो गया समझो फाइव में से फाइव माइनस किया तो जीरो होता है वैसे ये वाला उस तरफ जाके दोनों सेम से माइनस होके जीरो हो गया। और क्या बचा बी सी ए बी सी ए देखो साइक्लिक है साइक्लिक समझते हैं बी ए बी सी साइक्लिक बी सी ए को मैं ए बी सी लिख सकता हूं सेम रोटेशन में है एबीसी तो एबीसी जीरो आ गया आ गया हमारा आंसर एबीसी जीरो मतलब क्या A, B, C, 0 मतलब क्या होता है कि ए बार, 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 तो दिमाग चलाना पड़ा और आपको ज्यादा लिखना नहीं है करने का समझ तो आ रहा है तो यहाँ पर ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब ए बी सी कोप लेनर है तो ये होता है क्या बोलती पब्लिक समझ में आ रहा है बच्चों आर यू गेटिंग बी यस देखो एक से एक मजेदार क्वेश्चन है बेटा आगे चलते हैं अभी देखो फिर से सेम क्वेश्चन है भाई सही क्वेश्चन है बोल रहा है कि ए बार बी बार सी बार और कोप लेनर है तो बताओ लेमडा कितना होगा अभी मैंने तुमको क्या बताया था अगर कोई तीन वेक्टर है ए बी सी अगर कोप है उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट से निकालते हैं जैसे ए ए क्या है 1 1 1 आई जे के साथ क्या है 1 1 1 बी 1 माइनस 1 1 सी 2 1 माइनस लैम्बडा यस तो ये डिटर्मिनेंट जीरो है इसको सॉल्व करेगा तेरा लैम्बडा आएगा बेटा कैसे सॉल्व करने का ये देख ये प्लस माइनस प्लस लेने का शॉर्टकट करने का ज़्यादा दिखाने का नहीं 1 इन 2 1 इन 2 1 इन 2 � ये किया माइनस लेमडा माइनस टू फिर प्लस वन इन टू क्रॉस वन माइनस माइनस प्लस टू वन प्लस टू अभी हो गया यस yes, ये आ था इसको शॉर्टकट में कर ले पटाख से यह ले माइनस वन ये माइनस अंदर गया माइनस माइनस प्लस लेमडा प्लस टू टू वन थ्री इज इक्वल टू जीरो देख बेटा ये थ्री टू फाइव फाइव माइनस वन फोर फोर उधर गया माइनस फोर लेमडा लेमडा टू टाइम लेमडा 2 लेमडा माइनस फोर लेमडा इज माइनस टू है ना 2 से डिवाइड हुआ लेमडा माइनस टू है क्या किधर है 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 इधर है सर अरे है ना अरे कुटे आए तुम्हें ए बोगा ए मध्य है माइनस टू थोड़ा सा दिमाग चलाने का अगर कभी कोप्लेनर वगैरह दिया है कोप्लेनर से दिया है तो ऐसे करने का समझ में आ रहा है बॉक्स प्रोडक्ट जीरो लाके कर सकते हैं ठीक है आयुष म्हणतो तुमच्या पेनची इंक संपत नाही प्लास्टिक का प्लास्टिकचं ना पेन आहे बाळा हे बघा ते पण घासून घासून लहान झालंय वगैरे काय नाही ह्यामध्ये फक्त ह्याची नीब आहे ना ते फ्रिक्शन होऊ ना कमी झाली आता परत नवीन घ्यावं लागेल अठराशे मध्ये दोन देतात ते आहे म्हणजे ह्यापेक्षा तुमची पेन बरी आहे आमची पेन अठराशेला असते दोन त्यामध्ये जीएसटी असते चला चला बच्चों द चेंज करो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन विच इजेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज दिस एंड दिस बैटरी चेंज कर रहे हैं रुक जाओ एक मिनट <coughs> <coughs> आज अपने इस लाइव सेशन को यार तुम लोगों ने दबा के लाइक दिया है क्या बात है पांच सौ तो ग्यारह लाइक है क्या बात है पांच सौ बारह हो गए जो लोग लेट जुड़ गए क्या कर रहे हो सेशन को लाइक करो रे बाबा है है? बोलना पड़ता अभी मैं बोलूंगा सब्सक्राइब करो चैनल को पांच लाख करना है भाई पांच लाख लॉन्डो का जिंदगी बनाना है जब तक पांच लाख बच्चे इस चैनल पे नहीं होंगे भाई मैं तो बोल नहीं सकता मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाते रहूंगा टेंशन मत लो यार तुम लोग शेयर वगैरह करो यार यस <laughs> चला आ, अभी देखो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग टू देखो दो अलग अलग लाइन है बच्चों एक ये लाइन है एक ये लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो है थ्री माइनस टू एंड वन और इसका डायरेक्शन रेशियो है वन टू माइनस वन तो हमें बोला है ना एक डायरेक्शन रेशियो निकालो एक लाइन का जो परपेंडिकुलर इन दोनों को यानी ये तीसरी लाइन है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है तो तुम लोगों को याद है ना अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आता है बार बार क्रॉस दिस इज द बेसिक थिंग यू शुड कैसे आता है अगर कोई दो वेक्टर है तो उन दोनों को अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने बोला तो वो ए बार क्रॉस बी बार से आता है तो हमको ये ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो कैसे करते हैं याद है आई जे के फिर ये जो पहला ए बार है ए बार का देखो इसमें आई जे के लगा सकते हैं बट डायरेक्ट अपने को ये चीज यही ले लो थ्री माइनस टू वन फिर बी बार ठीक है वन टू माइनस वन सॉल्व करो आंसर आ जाएगा कैसे देख आई कैप हाँ, आई कैप लिया तो टू माइनस टू जीरो आ गया चल टू माइनस टू ये जीरो आ गया फिर माइनस जे कैप ये किया तो क्या आएगा जे माइनस थ्री माइनस वन आ गया प्लस के कैप थ्री टू सिक्स माइनस प्लस प्लस टू के कैप तो क्या आ गया देख बेटा टू माइनस टू जीरो फिर ये माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर जीरो, फोर जीरो सिक्स प्लस टू एट क्या क्या आ गया जीरो फोर एट आई जे के साथ क्या वही चीज क्या आ गया जीरो फोर एट अभी चेक करो ये है क्या अरे सर ये तो आई नहीं तुमने गलत निकाला ओ नो देखो बेटा गलत नहीं निकाला सही निकाला जब भी डायरेक्शन रेशियो करते हैं ना तो हम क्या करते हैं इसका रेशियो जीरो फोर एट इस सबको फोर से डिवाइड कर दो जीरो पोर, जीरो वन तो टू है क्या देखो ये डी चीजों को समझो थ्री डायमेंशन आ गया ऐसा तो डरने का नहीं डायरेक्शन रेशियो रहा वेक्टर ही समझने का परपेंडिकुलर वेक्टर एक है दो को इसको ऐसा समझो इसके साथ आई जे के है, आई जे के नहीं दिया था नहीं लिखाना डायरेक्ट सी टी है भाई लिख के दिखाने का नहीं इधर भी देखो जीरो फोर के साथ आई जे के डायरेक्ट अपने को डायरेक्शन रेशियो चाहिए था तो समझ में आ रहा है बच्चों को, Are you getting me? टाइम होने आया पचास मिनट हो गए बेटा क्या कर रहे चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई चैनल को जल्दी से जल्दी से चार लाख तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ओके okay? ये देखो ये देखो क्या बोल रहा है दिस दिस एंड दिस डू नॉट फॉर्म एनी टेट्राइड आ टेट्राइड्रॉन क्या होता है याद करो इस तरह से एक डायमंड जैसा होता है टेट्राइड्रॉन ये बोलता है ये तीनों वेक्टर टेट्राइड्रॉन नहीं बनाते जाओ नहीं बनाते टेट्राइड्रॉन नहीं बनता जाओ बोलता है बताओ कि वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा एक्स किधर है भाई इसके अंदर ये एक्स है अगर कोई टेट्राइड्रॉन है ही नहीं तो क्या करें इस चैप्टर वेक्टर में टेक्ट्राइड्रॉन से रिलेटेड हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था वॉल्यूम सो so, वॉल्यूम ऑफ टेट्राइड्रॉन क्या था बॉक्स प्रोडक्ट याद आ रहा है याद आ रहा है टेक्ट्राइड्रॉन का वॉल्यूम ये होता है बट ये बोलता है ये टेट्राइड्रॉन तो बनाता ही नहीं है <laughs> ये टेट्राइड्रॉन बनाता ही नहीं है बोले तो बोले तो अगर वो टेट्राइड्रॉन बनाता ही नहीं है मतलब उसका वॉल्यूम जीरो अरे जब वो है ही नहीं तो उसका वॉल्यूम जीरो इसका मतलब ये बॉक्स प्रोडक्ट जीरो समझे क्या ए बार बी बार सी बार ये जो बॉक्स प्रोडक्ट ये ही जीरो समझ रहे हो समझ रहे हो ये सिक्स उधर गया तो जीरो इंटू सिक्स जीरो तो अभी बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते डिटर्मिनेंट पहला क्या वन जीरो माइनस वन दूसरा क्या टू वन माइनस थ्री तीसरा क्या फोर टू एक्स और इसका आंसर जीरो आएगा सोल्व करते क्या कैसे सोल्व करने का ये प्लस, प्लस वन. वन एकस, एकस, हट गया तो वन इंटू ये एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आया सो एक्स आ गया माइनस सिक्स खत्म है क्या देखो है कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है भाई यस यस ये आगे देख मेरे भाई 2006 का क्वेश्चन है समझ में आ रहा है डिलीटेड असम अनुना का क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ टेट्रा डिलीटेड नहीं है वॉल्यूम ऑफ टेट्रा डिलीटेड नहीं है टेक गेमिंग बेटा समझ में आ रहा है आयुष कहता है हम बंदोबस्त करते हैं भाई क्या बंदोबस्त बैठक है क्या तेरी ओके हार्दिक कहता है पोस्टपोन नाही होगा ऑफलाईन मोड होगा ऑफलाइन मोड फिक्स आहे ऑफलाईन मोड फिक्स आहे पोस्टपोन लिए पंधरा फरवरी तक रुकने बोलाय ना रुको यस yes, अनिकेत म्हणताय अनिकेत म्हणतो मजा आ आरासर रातभर चालू रखो हे काय मला काम धंदे नाही का आता नऊ वाजता दुसरा लेक्चर आहे माझं बारावीचा लक्ष प्यायचं आमचं काय म्हणतो तुम्ही रातभर चालू रखो अनिकेत हा नंतर घरी जावं लागतं हा पे जाना पडताय रे बाबा रोज जाना पडताय घर पे यस yes, चलो मजा आ रहा है यस yes. क्या बोल रहे प्लीज शेयर ऑन दिस आवर ग्रुप भावेश ये ऊपर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए आ जाएगा उसमें एरिया ऑफ पैरलेलोग्राम एरिया ऑफ पैरलेलोग्राम क्या होता है उस डायगनल आ हा डायगनल मतलब समझे D1 और D2 डायगनल का क्रॉस प्रोडक्ट करते डायगनल होगा तो आधा करते साइड होगा तो आधा नहीं करते तो ये तो दिया है सर आधा कर दे आधा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते देख बेटा पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दे एक मिनट D1 वन क्रॉस डी निकालते चल D1 वन क्रॉस डी पहले निकाल बेटा दो वेक्टर है ये तो कैसे करते बेटा I J K कैसे करते D1 वन डायगनल टू थ्री सिक्स थ्री माइनस सिक्स टू इसको सॉल्व करके फिर उसका मैग्नीट्यूड लेने का जो भी वेक्टर आएगा ना ऐसे मैग्नीट्यूड लेने का स्क्वायर स्क्वायर करके उसका आधा करने का एरिया आएगा ये आप करोगे आपको होमवर्क है ठीक है सो दिस क्वेश्चन फॉर टूडे अनिकेत अनिकेत, यस कृष्णा कड़क लेक्चर चालू यस ठीक है स्टूडियो को ही घर बना दो नहीं होता ना रे बेटा नॉट मेंशन, बच्चे मेरे दो छोटे छोटे <laughs> चलो मेरे बच्चे पढ़ाने नहीं देते बीच बीच में आ जाते पप्पा क्या पढ़ा रहे हो तो फिर गड़बड़ होता है ना फिर तुम बोलेगे सर आम शिकवत नहीं अपने मुला घर में कुकर की सीटी बजती है तो कमेंट में तुम लोग लिखते सर क्या खाना पक रहा है बहुत लपड़ा रहता है ठीक है आयुष बोलता है वन मिलियन करेंगे करो 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 ओके चल प्रश्न होता आता आतापन जाऊिया खत्म हो गया 2006 तक के क्वेश्चन हमने लिए हैं ओके अभी इस पे बहुत सारे लेक्चर लूंगा कंटिन्यू जो बच्चे बोल रहे हो ना बहुत इजी क्वेश्चन लेते हो सर तुम आए बहुत इजी लेते अभी आएगा ना सब ये तेरा सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है तुझे इजी लग रहा मतलब खुशी की बात है रे तेरा पढ़ के हो गया वेरी गुड कांग्रेचुलेशन जैसे शाबाशी थे अपने आप को यस <laughs> यश पावर बोलता हम दो हमारे दो शाहरुख आ गया है लक्ष्य बैच में चलो सर ओके ओके चलो <laughs> जाएंगे भाई तुम लोग एक एक प्रॉमिस करो तुम रोज आने का तुम रोज आओगे तो मुझे नीक लगता है मतलब क्या कि सोमवार बुधवार शुक्रवार रात के 8 बजे इस चैनल पर आओ 8 से 9 अपना स्पेशल शो होता है एक लवे बैच का शोध भाई दिनेश सर बहुत मजा आएगा यार ऐसा सिखाएंगे ऐसा सिखाएंगे तुमने सोचा ना होगा वैसा सिखाएंगे तो जरूर आया करो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आठ से नौ और सोविन सर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को आठ से नौ ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से एंट्रेंस की तैयारी हो रही है उधर ये करो मुकेश सर फिजिक्स बालाजी सर बायोलॉजी शाम को छह बजे पढ़ाते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो उसमें सब मिलेगा यहाँ पर कृष्णा कहता है रोज लेक्चर लो रुक कुछ दिन के बाद रोज लेक्चर आएगा लाइव घरी घरी ही अनिकेत आता लेक्चर आए नौ घर ही चला हुँ? अभी आपके लिए डीपीपी दिया है देखो लिंक चल रहा है डीपीपी का डीपीपी दिया है आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के लिंक जा रहा है देखो जल्दी से लिंक जा रहा है लिंक जा रहा है ओके okay? ये सेशन खत्म होने के बाद जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है डीपीपी का वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको सॉल्व करने का खुद इसका सोल्यूशन कल टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे ठीक है चला बाय एवरी वन बाय 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 बच्चो बाय बच्चो मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर दो अपने दोस्तों में शेयर करो पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को बता दो ना तुम लोग यार इतना मेहनत करते हैं हम लोग बता दो ना बता दो ना प्लीज हाँ चलो बाय 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 बच्चो बाय